अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम सॉलिड एडिटिंग के कुछ और टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। आज के लेसन में हमने एक्सट्रैक्ट एजेस, इम्प्रिंट, कलर एज और कॉपी एज के ऊपर काम करना है। इसके लिए मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं। मैं यहां पे एक बॉक्स ड्रॉ करूंगा, इसी के ऊपर ही सारे काम करूंगा। और ये बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया। बेसिकली मेरे पास 2D वायर फ्रेम है, इसको आप 3D सॉलिड में या फिर इलास्टिक में जाएं तो आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर शेप ड्रॉ करता हूँ, इस पर भी काम कर लेते हैं थोड़ा सा। और पैरामेडिक में ड्रॉ करता हूँ, ओके। अब देखते हैं इनमें काम करके। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट एज मीन के आप इनके जो कॉर्नर है, एज हैं, जितने भी जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं ये एजेस के होते हैं, इनको आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट एज पे क्लिक करता हूं मैं, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एजेस जो है तो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। आप मूव करें, एम एंटर करता हूँ मैं यहाँ से, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके इसको मूव करें तो आपको देखें तो आपको यहाँ पे इसके एजेस एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। इसी तरह अगर मैं इसको मूव करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एम एंटर करता हूँ इसको सिलेक्ट करके तो मूव करता हूँ, देखें ये मूव जब किया मैंने तो इसमें देखें किसी किस्म का कोई भी एज नहीं है यहाँ पे। ऐसे इसमें भी यही काम था। इसके भी एज को आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट एज पे क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे तो आपस और इसके एज जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। मूव कमांड अप्लाई करें, मूव करके देखें तो देखें इसका एरिया जो जो एज जिसके थे वो सारे सारे क्या हो चुके, एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। इसको भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इसके एजेस को आप यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट एज पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करें और अब मूव करें ऑब्जेक्ट को, एम एंटर तो देखें तो इसके भी एरिया क्या है, एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। तो कोई भी एजेस आप एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो आप यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इम्प्रिंट का ऑप्शन, इम्प्रिंट का ऑप्शन क्या काम करते हैं, इसको डिलीट करता हूं, इसको छोड़ते हैं हम इसको। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इम्प्रिंट का ऑप्शन अप्लाई करूंगा। इम्प्रिंट का ऑप्शन ये होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी अगर आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ तो मैं डिलीट कर लेता हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप कोई लाइन या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और चाहते हैं कि वही जो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज हो जाए, इस के साथ मिल जाए, तो उसके लिए आप इम्प्रिंट का ऑप्शन यूज करते हैं। इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, फॉर एग्जाम्पल एल एंटर करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं इसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, फॉर एग्जाम्पल यहां से, बल्कि इसके मिड पॉइंट से मैं यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखें ये लाइन अलग से और ये वायर वाला एरिया अलग से सिलेक्ट हो रहे तो मैं इस लाइन को इसके ऊपर इम्प्रिंट करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए आप इम्प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहां से 2D वायर फ्रेम में जाऊंगा क्योंकि 2D वायर फ्रेम में आसानी से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मैं यहां से ऐसा करता हूं कि नेक्स्ट मारे इम्प्रिंट की, इम्प्रिंट पे क्लिक करता हूं और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करते हैं। आप डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं, यस करें प्रेस। अब देखें सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुके हैं और आपस ये वाला देखें, आपस ये इसके साथ मर्ज हो चुके हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो इसके साथ मर्ज हो चुके हैं। अगर आप इसको रियलिस्टिक में जाके देखें तो आपस ये क्या हो गया, देखें ये इसको जो ही मैं इसको मूव करता हूँ देखता हूँ तो आपस क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं इसके साथ, देख सकते हैं। तो ये क्या आपस सोर्स ऑब्जेक्ट जो इसके साथ क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। हाँ, अगर आप दोबारा से मैं यहां से जाता हूँ और 2D वायरफ्रेम में जाके देखता हूँ तो ये मर्ज तो हो चुके हैं। अब इसका मर्ज होने के बाद का फायदा क्या है वो आप देखें, तो मैं यहां से फॉर एग्जांपल प्रेस पुल कमांड में जाता हूं तो मेरे पास ये वाला एरिया अलग से आ गया, तो इसको मैं यहां पे उठाता हूं यहां से ऊपर, तो अब देखें इसको तो देखें ये क्या हो गया, इसके ऊपर ये मर्ज हो चुका है। तो ये इम्प्रिंट कमांड का फंक्शन होता है, फायदा होता है।
इसी तरह यहाँ पे भी जो है, तो फॉर एग्जांपल मैं यही काम करता हूँ, एक आर्क ड्रॉ करता हूँ, आर्क ड्रॉ करके उस आर्क इसके ऊपर मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए मैं इसको भी जो है तो बेसिकली यहाँ से रियलास्टिक में लेके जाता हूँ, क्योंकि रियल 2D वायरफ्रेम में लेके जाता हूँ, क्योंकि 2D वायरफ्रेम में आपका सिर्फ कॉर्नर नजर आ रहे थे, आप आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आर्क एंटर करता हूँ, मैं इसके इस पॉइंट से लेता हूँ और इस पॉइंट से मैं एक आर्क यहां से यहां तक एक आर्क ले लेता हूँ। इस आर्क को इसके ऊपर मैं इम्प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप इम्प्रिंट का ऑप्शन चूज करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, आर्क को सिलेक्ट करें। अब यहां से सोर्स ऑब्जेक्ट में चाहता हूँ कि डिलीट हो, मैं इसे नो ही कर देता हूँ। नो करके आपको बताता हूँ नो का क्या फंक्शन है। नो पे क्लिक करेंगे तो सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हुआ और आपस यहाँ पे ये भी आ गया। सोर्स ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से देखें, ये सोर्स ऑब्जेक्ट, इसको मूव करता हूँ मैं, देखिए सोर्स ऑब्जेक्ट वायर वाली साइड पे आ गया और ये वाला ऑब्जेक्ट अंदर वाला इसके अंदर ही है। सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें, एम एंटर करें, एम एंटर मूव, मूव हो चुका है। इसको यहाँ से आप डिलीट करना चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं, बाद में उसी टाइम डिलीट करना चाहिए तो उसी टाइम भी डिलीट आप कर सकते हैं। अब इसको भी मैं प्रेस पुल कमांड की मदद से, देखें इस वाले एरिया को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें जरा इलास्टिक भी में जाके देखें, तो देखें ये इम्प्रिंट कमांड का फंक्शन होते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी कलर, कलर एज के, इसके जो जितने भी एज है उनको आप कलर देना चाह रहे हैं तो आप कलर दे सकते हैं। तो कलर एज के लिए आप कलर एज पे क्लिक करें, जितने भी एज उनको सिलेक्ट करें, जैसे कि इस एज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। ये भी आप अगर 2D वायरफ्रेम में जाके करेंगे आप आसानी से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसके पीछे वाला मुझे नजर नहीं आ रहा, यहां से बैक वाला नजर नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप यहां से रियलास्टिक से आप जो है तो 2D वायरफ्रेम में जाते हैं तो आपको आसानी से नजर आ जाता। ओके उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया सबको, फॉर एग्जाम्पल इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके पीछे वाला मुझे नजर नहीं आ रहा, तो 2D वायरफ्रेम में आप देख जाते तो आपको आसानी से ये सब नजर आए और नजर आएंगे और आप आसानी से इन पे काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कलर कॉपी एच पे क्लिक, कलर एच पे मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया और अब मैं एंटर करता हूँ, इसको कलर आ गया और यहाँ से आप कलर चूज कर लें जो भी आप कलर देना चाह रहे हैं और ओके करेंगे तो इनके ऊपर कलर आ गया। आप इसको यहाँ से एग्जिट कर लें, एंटर, फिर एंटर कर लें तो इसमें कलर आ गया। आप देखें जब इसके ऊपर मूव करते हैं पॉइंटर तो देखें आपको कलर ही आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप रियलास्टिक से 2D वायरफ्रेम में जाके देखें तो देखें इनके ऊपर कलर आ गया जिस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, देख सकते हैं। तो ये कलर आप दे सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, एज को, और उसके बाद आप कॉपी एज, किसी भी एज को कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। कॉपी एज पे क्लिक करें, मुझे ये वाला एज जो है तो इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको सिलेक्ट किया, इसको भी फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक को भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं, हजारों को भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट किया। करने के बाद मैं एंटर करता हूँ और एक पॉइंट से इसको उठाता हूँ और दूसरे पॉइंट में ले जाता हूँ, देखें ये क्या हो गया, कॉपी हो चुका, एज क्या हो गया इसका, कॉपी हो गया। तो आप इस तरह कॉपी भी कर सकते हैं अपने किसी भी एज को, जैसे कि मैं यहाँ से इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ तो कॉपी पे क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, सॉरी इसके में सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर करता हूँ, मूव करता हूँ, देखिए इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे ले आया। तो आप इसी तरह कॉपी भी कर सकते हैं इसको और आप जो है तो उसको कुछ और बनाना भी चाहे तो बना भी सकते हैं, जैसे कि इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैं यहाँ से दोबारा जो है तो मैं प्रेस पुल कमांड की से कुछ और नई चीज में बनाना चाह रहा हूँ तो बना सकते हैं। अब क्योंकि ये अलग से हमने तोड़ दिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले को ज्वाइन कर लें, जे एंटर, ज्वाइन हो चुके हैं प्रेस पुल कमांड की वजह से, इसको क्या कर लें
आइलैंड देख सकते हैं। ओके देखें तो आप यहाँ पे इस तरह के ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।